नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सत्ताधारी दल के नेताओं के बोल लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं और एक मंत्री ने अभी कलेक्टर एसपी के कॉलर पकड़ने की बात कही है तो अब एक और वरिष्ठ विधायक ने अधिकारियों को जूता मारने तक की बात कह दी है। तो विधायक महोदय का जैसा ही ये वीडियो वायरल हुआ, सियासी बवाल मचना तो लाजमी ही था, तो बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह किसानों के हक में बोलते बोलते अपनी मर्यादा तोड़ बैठे हैं और विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा है कि अगर बैंक का कोई भी अफसर किसानों को झूठे लोन के केस में या वसूली के नाम पर अगर तंग करता है तो उसे जूता मारना पड़े तो मारो। करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर खास हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ये साउथ के किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, नेताजी दक्षिण की फिल्मों के कोई अभिनेता भी नहीं है, यह है रामानुजगंज से विधायक, वीडियो भी फिल्म भी वो भी ओरिजिनल है, लेकिन अंदाज नेताजी का बिल्कुल फिल्मी है। कह रहे हैं अधिकारी अगर छल करे तो उसे जेल भेजो, जूता मारो। वाह नेताजी वाह, आपके मंत्री बच्चों से कहते हैं बड़ा नेता बनना हो तो कलेक्टर एसपी का कॉलर पकड़ो। आप किसानों से कह रहे हैं जो आपको धोखा दे उसे सबक सिखाने के लिए कानून हाथ में ले लो। अब इसे क्या कहा जाए, सत्ता का दम, अहंकार, गुरूर? एक बार फिर सुनिए क्या बोल रहे नेताजी। ये वीडियो बलरामपुर में राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम का है जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे और कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर और एसपी की भी मौजूदगी रही और इन सभी की मौजूदगी में नेता भी जूता मारने की बात कह रहे थे। महोदय के इस बिगड़े बोल पर विपक्ष को मौका मिल गया, सत्ता पक्ष पर बीजेपी ने वार किया और भाजपा ने कहा कांग्रेस का यही चरित्र है, उसे लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं। देखिए, अपने वक्तव्य में अपशब्दों का इस्तेमाल करना ये कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है और देश की आजादी के बाद से आज तक अनेकों ऐसे प्रकरण हैं जब कांग्रेस के चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो चाहे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हो इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल करते हैं। दो दिन के अंदर में एक मंत्री और एक विधायक के द्वारा जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ में इसके कॉलर पकड़ने की बात आई, दूसरे विधायक के द्वारा जिस तरीके से अधिकारियों को मारने पीटने की बात आई है, एक दबाव की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है अधिकारियों पर कि दबाव बनाकर वो गलत काम करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतंत्र को कुचलना चाहती है और लोकतंत्र में जिन लोगों को अधिकार प्रदत्त है ऐसे लोगों के अधिकारों को छीनना चाहती है। खैर, इन सब के बीच ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले किसान कभी बैंकों के अधिकारियों ने उनको ठगा है तो कभी सरकारी अधिकारियों ने। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ फसल बीमा घोटाला यहाँ बड़े पैमाने पर हुआ है, खास तौर पर सरगुजा अंचल के किसान सर्वाधिक ठगे गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे में यह वरिष्ठ विधायक का दर्द और गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि के इस बयान को जायज नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि नेताजी संविधान के रक्षक हैं, उनकी भाषा असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए। सहयोगी सत्यपाल सिंह के साथ वैभव चिर पांडे की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवाते हैं। श्री चंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। रमेश वारलियान थोड़ी देर में जुड़ेंगे, श्री चंद सुंदरानी जी, रमेश वारलियानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। वारलियानी साहब, बहुत स्वागत है आपका
और शशांक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बाल्यानी जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या हो रहा है? दो दिन में दो नेताओं के बयान, वो भी अशोभनीय है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 15 साल हम लोग विपक्ष में रहे हैं और 15 साल में राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, और 15 साल में जो रमन सरकार की जो नौकरशाही थी, उस नौकरशाही ने विपक्ष का और आम आदमी का काफी बड़ा दमन करने का काम किया है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। तो वो भाषा शैली को थोड़ा आने में समय लगता ही है। ये बृहस्पति सिंह की जो बता रहे हैं ना, वो उनका गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने 15 साल में देखा है कि किस ढंग से किसानों को लूटा गया, किस ढंग से किसानों के काम को ले जाते थे कलेक्टर के हैं या किसी अधिकारी का काम होता नहीं था। तो वो चाहते हैं कि जब सरकार बदली है तो अफसरों का मिजाज और काम कार्यशैली बदलना चाहिए। तो ये उनके गुस्से की अभिव्यक्ति है। उसका मतलब ये नहीं कि लोगों को वो उकसा रहे हैं कि आप जाके जूता मार दीजिए। वो एक उनका पुराना 15 साल का जो गुबार है वो अभिव्यक्त हुआ है, उसको उस रूप में देखा जाना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार ठीक है तो जी, जो 15 साल का जो गुबार है ठीक है, वो आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, कोई भी चीज अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब वो ब्लास्ट होता है तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का आचरण, इस तरह की भाषा अमर्यादित नहीं लगता? आपको मेरी आवाज मिल रही है बालयानी जी? बात सही नहीं, आप फिर से रिपीट कर दीजिए आवाज। बाल्यानी जी, मैं ये कह रही थी कि ठीक है, जो 15 साल का गुबार था वो आया, बाहर आया, आना लाजमी है, चीजें अंदर रहती हैं तो जब ब्लास्ट होता है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति जी और कवासी लखमा जी की जो भी दिल के अंदर जो भी गुबार था वो सामने आ गया, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है? फिर देखिए, निश्चित रूप से भाषा का संयम होना चाहिए और हमारे नेता लोग भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी यह है कि जब प्रदेश में बदलाव आया है तो अफसरों को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा और आम आदमी के काम में तेजी से त्वरित गति से उनको काम करना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि 15 साल में नौकरशाही की जो आदत बिगड़ी हुई है उसको रास्ते में आने में बहुत समय लग रहा है, ये हर कोई महसूस कर रहा है, मैं भी महसूस करता हूँ। ठीक, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अफसरों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। 15 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता के साथ न्याय हो, इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, शशांक शर्मा जी कह रहे हैं बाल्यानी जी कि भाई जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और क्योंकि 15 साल की ठसक प्रदेश के अधिकारियों में है तो उसको भी उतारना लाजमी है। क्या उसको उतारने के लिए इस तरह की भाषा कितनी मतलब जायज है? बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि 15 साल अगर हम विपक्ष में रहे हैं तो 15 साल के बाद अगर हम सत्ता में आ रहे हैं तो ये संभव नहीं है जी। सरकार के काम करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के पालन करने में समय होता है, इसलिए हम तो एक जुमला बोलते हैं सामान्य तौर पे, अगर कभी विलंब होने लग जाए किसी काम में, अरे यार तुमने तो सरकारी धर्रे पे काम करना शुरू कर दिया। तो सरकार का मतलब ही होता है कि गति यहाँ पर कम होती है और एक पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही वो काम पूरा होता है। लेकिन मैं आपकी बात दूसरी तरफ ध्यान आपका दिलाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही राजनीति का लोक व्यापीकरण हुआ है भारत में, लोकतंत्र जो है 1985 से 90 के दशक में एक लोक व्यापीकरण हुआ है जिसमें आम आदमी को ज्यादा अधिकार मिले, गांव तक जो लोकतंत्र है वो पहुंचा है और खासकर पंचायती राज व्यवस्था ने इसको और ज्यादा सर्वव्यापी बनाया है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि भारत की केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, आप पूरे भारत को देखिए किस प्रकार, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के तो वो तो बकायदा IAS अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों को कहते थे कि मंच पे आप मेरी चंपी करो, मेरे जूते उठाओ। आपने मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी को देखा होगा। देखिए क्या होता है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बृहस्पति सिंह जी हो या कवासी लखमा जी हो, ये दोनों आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं
और यहाँ पर जिस प्रकार जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी तंत्र इतना ज्यादा इन लोगों से दूर रहता है, इनके काम नहीं करता है, उसके और भी कई कारण हो सकते हैं कि लोगों का जनता जो है ना इन अधिकारियों के ऊपर रहता है। तो जब ये नेता कहते हैं कि अधिकारियों का कॉलर पकड़ो, अधिकारियों को मारो, तो ये जनता के अंदर का एक आक्रोश है ना, उसको बाहर निकाल के हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि हमारा अब एक ऐसा नेता आया है जो जूते मारने की बात करता है, जो कॉलर पकड़ने की बात करता है। देखिए गौरी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये 1990 के दशक से इस तरह की जो राजनीति शुरू हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है लोकतंत्र में वो सर्वोपरि होता है, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी तंत्र जो एक के सेलेक्टेड प्रतिनिधि होता है लोकतंत्र का, सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है, वो जिस प्रकार से जो छोटे तबके के आने वाले जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या सरपंच हैं या जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उनको लगता है वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त रहते हैं। ठीक। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी उतनी ही समझ की जरूरत है जितना ये जो सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव आते हैं उनको भी समझ की जरूरत है। बिल्कुल। रही बात कामकाज की गति की, तो कामकाज की गति बढ़ेगी नहीं, 5 साल का समय मिला है, 5 साल में धीरे 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 चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल, वाकई में। सुंदरानी जी ने भी डिबेट को ज्वाइन कर लिया। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है, आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस तरह से बिगड़ते? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आप, आपका रिएक्शन ही जानना चाहूंगी सबसे पहले, ये जो राजनेताओं के जनप्रतिनिधियों के मुंह बदल रहे हैं। देखिए मदमस्त हाथी पे सवार हो चुके हैं कांग्रेस के लोग, जब जब सत्ता इनके हाथों में आती है ये होश खो बैठते हैं। मंत्री जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, कलेक्टर को मारो बड़े नेता बन जाओगे, एसपी को मारो बड़े नेता हो जाओगे, आज तो बृहस्पति सिंह जी का भी बयान आ गया, कहीं ना कहीं सत्ता मद में इतना ये चूर हो चुके हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सरकार कैसे चलाई जाए, जनता का काम कैसे किया जाए, जनता के काम से कोई लेना देना नहीं कांग्रेसियों का, व्यक्तिगत काम बोलते हैं अधिकारियों को, ऐसे काम बोलते हैं जो अधिकारी कर नहीं सकता, जब अधिकारी कर नहीं सकता तो मानसिक दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस के लोग करते हैं, ये इनकी पुरानी परंपरा है, पहले की परंपरा है, हमेशा जब जब ये सत्ता पे होते हैं ब्यूरोक्रेट से दबाने के लिए काम करते हैं और ब्यूरोक्रेट से अवैध काम कराने के लिए इस प्रकार का दबाव बनाने की मानसिकता हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रहती है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है प्रजातंत्र में। वाल्यानी जी, इस तरह की मानसिकता क्यों कांग्रेस पार्टी की है, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन सुंदरानी जी मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये परिपाटी सिर्फ कांग्रेस में देखने को मिलती है, क्या ये परिपाटी, क्या ये जो कल्चर है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? आपके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ग्राम स्वराज की तर्ज पर अपने विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाया करते थे और जिले के तमाम जो कलेक्टर एसपी और कमिश्नर को बुला के जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता उनके सामने उनको फटकार लगाते थे और यहाँ तक कि उनको अब्यूज भी किया करते थे, क्या वो नहीं करते थे? वो नहीं करते थे? नंदीराम कंवर जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि 10-10 हजार रुपए लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन गरियाते थे भाई, भैयालाल राजवाड़े उनका भी विवादित बयान था, ओथ सेरेमनी में उनका भी विवादित बयान हमने देखा था, अब बताइए सिर्फ कांग्रेस में थोड़ी ना है सर? नहीं, विवादित बयान गौरी जी, विवादित बयान, राजनीतिक बयान और इसकी चर्चा आप कर रहे हैं या अधिकारियों को डांटना काम न करने का, लेकिन जनता को, कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देने, उल्टा लटकाने तक नंदीराम कंवर ने कहा है सर, नहीं, उल्टा लटका दो, कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारतीय नहीं 10 हजार रूपए लेते हैं उल्टा लटका दो, किसके लिए कहा मैं नहीं जानता, अधिकारियों के लिए, गृह मंत्री, लेकिन जनता सरकार में, तत्कालीन सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं ननकी राम कंवर, उन्होंने पुलिस वालों के लिए कहा था कि पुलिस वाले तो 10-10 हजार रुपए लेते हैं ये, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को तो उल्टा लटका दो, और दूसरी चीज भैयालाल राजवाड़े जब ओथ सेरेमनी ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि तन के साथ जब वो वन विभाग को लेके एक ओथ सेरेमनी ले रहे थे तब उनका विवादित बयान भी था, वन के साथ तन भी है,
अब बताइए सर, मतलब आपकी आप कहे तो ठीक और वही बयान दूसरी पार्टी से आ तो देखिए मस्त मौला, वो मस्त वो जनता को भड़काने वाला काम नहीं था। भैया लाल राजवाड़ी जी ने कभी जनता को अधिकारियों के खिलाफ खड़ा करने का काम किया या कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के खिलाफ खड़ा करने का काम किया? एक उनका मजाक या नेचर था, मजाक कर लेते थे गौरी जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की भाषा कभी भारतीय जनता ब्यूरोक्रेट्स पे हमेशा लगाम लगाने की बात निश्चित रूप से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अफसरशाही पे घुड़सवारी करना आना चाहिए, लेकिन गुंडागर्दी दादागिरी करके अधिकारियों पे घुड़सवारी करे ये उचित थोड़ी है। ठीक है, और ये अवैध काम कराने के लिए दबाव बनाते। ठीक है, उल्टा कई जगह तो हमने देखा अधिकारियों को उल्टा लटका दिया जाए, ये ठीक है, अधिकारियों को उल्टा लटका दिया जाए ये ठीक है ना सर? ये ठीक है, ठीक है। और ग्राम स्वराज की तर्ज पे अपने क्षेत्र में जब नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ ये ठीक है? नहीं गौरी जी किसी गलत चीज का मैं समर्थन नहीं करूंगा। अजय चंद्राकर भी ग्राम स्वराज की गलत चीज का समर्थन थे सुंदरानी जी और कहते थे गरे आते थे। चौपाल लगाना कहाँ अपराध है? मैंने भी 5 साल मेकारा में बैठ के चौपाल लगाना गलत नहीं है सुंदरानी जी, लेकिन चौपाल लगा के जिले के और अच्छा अधिकारियों को चौपाल में अधिकारियों को बुलाना, लोगों के सेवा करना, गाली गलौज करते थे, गाली गलौज सर। नहीं हमने तो नहीं सुना गौरी जी कभी उन्होंने गाली, वो कभी गाली बकते ही नहीं थे, शरीफ आदमी थे मंत्री हमारे। वाल्यानी जी आप ही ज्यादा बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएंगे जी। देखिए गौरी जी, सुंदरानी जी जो बात कर रहे हैं ना वो तथ्यों के विपरीत है। दुर्भाग्य इस देश में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेके ब्लॉक स्तर तक के नेताओं को इनके पास झूठ बोलने की फैक्ट्री पैदा हो गई है कि हर बात में गलत बयानी करो, झूठ बोल के गुमराह करो। अब इन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह या कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा है वो व्यक्तिगत काम करने के लिए कहे। बृहस्पति सिंह व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ ना सरकार की भाषा, नहीं ऐसा नहीं है। बृहस्पति सिंह जी राशन कार्ड के वितरण को लेकर बात कर रहे थे। बृहस्पति सिंह राशन दुकानदारों को हिदायत देने के लिए बात कर रहे थे कि राशन वितरण होना चाहिए। तो एक जनता के लिए जो काम है उसको अधिकारियों करने के लिए कर रहे हैं। नहीं मारपीट करना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, जो उनका बात को लेकर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि मारपीट करो जाके, ये नौबत क्यों आई, जूता मारो, उनका कॉलर पकड़ो, ये बोलना चाहिए क्या? आपके पास ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके पास प्रशासनिक पावर है, हटा दीजिए। जूते मारने की बात कर रहे हैं वाल्यानी जी, ये कहाँ तक जायज है भाई? आप उन अधिकारियों को गौरी जी हटा देना, कर रहे कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है आप, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपका आचरण आपका व्यवहार उसको देख के ही जो क्षेत्र की जनता जो लोग सुन रहे हैं उसको चार चार पाँच पाँच बार के विधायक रखमा जी आत्मसात करते हैं। नहीं नहीं गौरी जी, मैंने पहले ही कहा आपको बताया कि वो 15 साल का जो गुस्सा था वे अभिव्यक्त हुआ, उनकी मंशा ये थी कि जनता के काम होना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ तक आप कह रही हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम को कड़ाई से लागू करने का काम किया है ताकि लोक सेवा गारंटी में जो हमने समय सीमा तय की है किसी काम करने की उस समय सीमा में काम हो, ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिदायत है सभी कलेक्टरों को। गौरी जी समय सीमा में होगा कैसा? होगा 2 महीने में ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, 1.5 महीने में SP बदले जा रहे, कलेक्टर बदले जा रहे, वो तो आ रहे हैं अधिकारी, 2 महीने में बदले जा रहे, समय सीमा कहाँ से तय होगी? तो भाई कलेक्टर जो अभी जो कुर्सी बचेगा वो करेगा, 8 महीने में जो होगा वो करेगा। ट्रांसफर का एक बड़ा उससे क्या मतलब है खोल दिया गया छत्तीसगढ़ में। अरे इतने 15 साल में जो की तादाद हाँ किया है ट्रांसफर किए जा रहे, इसलिए किया है ट्रांसफर वाला मामला है और उसके बाद मन चाहे पास करना काम कर रहे हैं, अधिकारियों को बिठाया गया है वो काम नहीं कर रहे और वो मारने वाले अधिकारियों को मामला है। वाल्यानी जी उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे क्योंकि कोई भी सरकार आएगी किसी भी अलग से हम बात कर सकते हैं, तो प्रशासनिक सर्जरी हर सरकार अपने हिसाब से करती है, हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का आचरण इस तरह का व्यवहार वाकई में जायज है क्या राजनीति के लिए? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि जो मॉरल साइंस है उसको तमाम राजनेता खोते जा रहे हैं?
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस हल्के स्तर की भाषा पे आ जाएंगे तो ऊपर से नीचे संदेश क्या जाता है गौरी जी, इसको भी आप ध्यान नहीं क्या बोला मोदी जी ने कई बार कई चीजें मोदी जी जितनी सभ्य भाषा कोई नेता नहीं यूज कर सकता। हम नहीं चाहते हैं कि मांड अरे आपका नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चोर बोलता है, ये परिपाटी है कांग्रेस पार्टी। हल्कापन तो फिर दोनों तरफ से है ना सर, ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही तरफ से हल्कापन तो कांग्रेस ने दिखाया, जो सत्ता पर हल्कापन नहीं दिखा, सत्ता पर बैठे हैं और 15 साल सत्ता में बाहर रहे, इसलिए अधिकारियों के बैठे हैं सत्ता पे जो शीर्ष पर बैठा है। नहीं नहीं राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने राफेल की जांच नहीं कराए, बोफोर्स की हमने जांच कराई, आप राफेल की जांच क्यों नहीं कराते, प्रधानमंत्री को चोर बोले प्रधानमंत्री पार्टी हमसे सवाल करेगी। जब प्रधानमंत्री संसद के अंदर किसी बात का जवाब देना चाहते हैं प्रधानमंत्री क्या करेंगे, चोर बोले वो पार्टी प्रधानमंत्री इस बात के लिए खुद मौका दे रहे हैं, प्रधानमंत्री इस बात के लिए खुद मौका दे रहे हैं, क्या करेंगे किसी बात के लिए जवाब देखिए। ईश्वरहीन राजनीति कांग्रेस मोदी जी ने शुरू किया है, भाजपा हमेशा मुझे मोदी जी ने शुरू किया है सुंदरानी जी, और भारतीय मुझे कहने के साथ दुख होता है, हम मूल्यों पर आधारित करते मूल्य, अरे आरएसएस में सिवाय झूठ बोलने की फैक्ट्री कुछ है ही नहीं, मूल्य की बात आप करते हैं, आरोप मत लगाइए आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में सिवाय अफवाह फैलाने और झूठ बनाने के बला कुछ नहीं होता है। शशांक जी देश देख रहा है, शशांक आज देश में जो सप्लाई सभा टूट रहा है कौन कर रहा है, तमाम बयानातों के जरिए जो मूलभूत मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए, जो वाकई में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उनसे दूर करके उनको भटकाने की कोशिश की जाती है इन मुद्दों को हाइप देकर। देखिए गौरी जी ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि 15 साल कोई एक पार्टी की सरकार रहे और एक ही मुख्यमंत्री हो तो एक जो समन्वय हो जाता है ब्यूरोक्रेसी के साथ सरकार का, वो फिर एक अलग दिशा में चला जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब भी इस बात की के आरोप लगते थे कि शासन के अंदर बैठे हुए अधिकारी अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरह सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि जो मुख्यमंत्री या जो सरकार है चुनी हुई और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक समन्वय बनने लगा और एक नई संस्कृति ने जन्म लिया कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव को अपना पूरा काम सौंप दिया और दोनों एक दूसरे के भरोसे में काम करने लग गए, और 15 साल का समय बड़ा लंबा होता है। अब वो 15 साल के बाद एक दूसरी संस्कृति अब आ रही है, अब जो सरकार आ रही है सरकार आई है उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अभी भी अधिकारी सोचते हैं और काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में ये जो खलबलाहट है कि देखिए 5 साल के लिए सरकार है, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि बहुत सारे अधिकारी अगर भाजपा के बारे में सोचते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं तो धीरे धीरे उनको अपने अनुकूल, आप सरकार के अधिकारी तो नहीं बदल सकते, आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते, वो तो फिक्स है, काम उन्हीं से करवाना है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कुछ समय का एक ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए अधिकारी भी काम करने सवेरे घर से निकलता है और ये जो अविश्वसनीयता का जो संकट एक अभी सरकार में है मुझे लगता है धीरे धीरे वो दूर होगा, यही ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना पड़ेगा और यही सरकार काम कराएगी, मुझे लगता है कुछ समय की बात है, लेकिन इस तरह की भाषा से एक तो सरकार के अंदर के लोगों को बचना चाहिए, दूसरा जो सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है उनको भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बाकी में सुंदरानी जी क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी आपसे। देखिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अफसरशाही के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियों से कहीं न कहीं एक अराजकता की स्थिति प्रदेश में पैदा होगी और सरकार के बैठे हुए लोग मंत्री लेवल के लोग अगर लोग अधिकारियों को जूते मारने जैसी बात करेंगे तो कहीं न कहीं प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हो जाएगा जो हर बात पे जाके अधिकारियों से जूता लेके बात करेगा। ये प्रवृत्ति पैदा नहीं होनी चाहिए, सरकार के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं गौरी जी, वो चाहे तो उस अधिकारी जो काम नहीं करता निकम्मा उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करके उसको अटैच करके लाइन अटैच करके बिठाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोल के उत्तेजना का माहौल बना के अराजकता का माहौल बना के बल्याणी जी बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो भाषा के ऊपर शैली पर संयम होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि नई सरकार हमारी पार्टी की जो सरकार है
वो मॉनिटरिंग को थोड़ा तेज करे और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को तेजी से लागू करे ताकि इस तरह की परिस्थितियां भविष्य पैदा नहीं हो और एक जवाबदेहिता है अधिकारियों की कि जो काम आपको दिया गया है जनता की सेवा करने के लिए उसको समय सीमा में पूरा करने का काम करें। यही एक उसका उपाय मुझे दिखता है, तो टकराव की स्थिति नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार प्रदेश में आपकी है तो इन तमाम चीजों को लेकर आप ही लोगों को कार्यरत होना होगा। शशांक जी बहुत संक्षेप में, निश्चित रूप से कराएंगे। शशांक जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना कि देखिए लोकतंत्र की दो धुरी है, दो सरकार की दो धुरी है, एक जो निर्वाचित होते हैं एक जो चयनित होते हैं। दोनों में अगर समन्वय नहीं होगा तो काम नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता प्रभावित ना हो इसका ध्यान दोनों पक्ष को रखना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में वाल्यानी जी और साथ ही सुंदरानी जी, क्योंकि दोनों ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों ही सरकारों का अब हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब ये नहीं कह सकते कि 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, दोनों ही सरकारों का अब सफिशियंट पीरियड मिल चुका है। इसलिए जो मूलभूत जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं अगर उनपे आके कार्य किया जाए तो जनता आप लोगों को हाथों हाथ लेगी। बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। शशांक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और वाल्यानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में इन दोनों सत्ताधारी दल के नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं जो लगातार विपक्ष को मौका दे रहे हैं सरकार को घेरने का। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।